Hello dear students, how are you? Very good morning to all of you and welcome again to my YouTube channel. Now, today we are going to start the next topic of the chapter 1st, that is the reproduction in organism part 2nd. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2nd स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट फ्रॉम विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन. इस चीज को हम अपने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द फर्स्ट इज द फिशन, देन सेकेंड इज बडिंग, देन थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, देन फोर्थ इज द स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन. हम लोग स्टार्ट करेंगे फिशन से. इसको द फिशन इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. फिशन द स्प्रीडिंग ऑफ पेरेंट सेल इन टू टू और मोर इक्वल डॉटर सेल इज कॉल्ड फिशन. फिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पेरेंट सेल जो होती है इट स्प्लिट यानी टूट जाती है टू और मोर देन टू पार्ट, इट इज कॉल्ड द फिशन. देर आर टू टाइप ऑफ फिशन. इफ द पेरेंट सेल डिवाइड इन टू टू डॉटर सेल्स दिस टाइप ऑफ फिशन इज नोन एज बाइनरी फिशन. बाइनरी मीन्स टू. एंड इफ द पेरेंट सेल स्प्लिटिंग इन टू मोर देन टू सेल इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन. इज इट क्लियर? देन बाइनरी फिशन इज ऑल्सो आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज ट्रांसवर्स एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडिनल. फर्स्ट इज ट्रांसवर्स एंड सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडिनल. इन बाइनरी फिशन द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ एंड ईच हाफ ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देयर पेरेंट. बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर ही क्या होता है, कोई भी डॉटर सेल जो बन रही हो बिल्कुल अपने पेरेंट के सिमिलर ही होगी बट वो टू पार्ट में डिवाइड होगी. सो दिस इज नोन एज द बाइनरी फिशन. अब अगर हम बाइनरी फिशन की बात करते हैं तो ये भी टू टाइप का है, ट्रांसवर एंड लॉन्गिट्यूडिनल. ट्रांसवर की एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा एंड पैरामीशियम इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास प्रोटोजोआ, इज द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा की जो क्लास है प्रोटोजोआ उसमें हम लोगों ने 11th क्लास में अमीबा और पैरामीशियम के एग्जाम्पल्स पढ़ रखे. दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर हम बात करें अमीबा की तो अमीबा में किस तरह से बाइनरी फिशन होता है, देखिए आप ये अमीबा का डायग्राम है. दिस इज द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड इट शो द साइटोप्लाज्म. देन इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा. कैसे डिवीजन स्टार्ट होगा? सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो होगा उसमें डिवीजन स्टार्ट होगा. कभी भी कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो फर्स्ट स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस. इट मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड. तो फर्स्ट स्टेप में क्या स्टार्ट होगा? कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस एंड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस होगा मतलब कि न्यूक्लियस ये एनलार्ज हो गया और देन उसके बाद में ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस डिवाइड जब हो जाएगा यानी वन न्यूक्लियस फॉर्म टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे. देन यहां पर आप देख रहे हैं मैंने एक लाइन खींची डॉट डॉट में, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. इट मीन साइटोकाइनेसिस अकर. तो साइटोकाइनेसिस कब होगा? जब पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा देन उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, यानी पहले एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे अमीबा में और देन उसके बाद में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो है टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगी? डॉटर सेल्स हो जाएंगी.
तो हमने देखा कि हम लोगों ने एक सिंगल अमीबा, यानी ये जो है ये पेरेंट अमीबा है, और ये पेरेंट अमीबा जो है इसने प्रोड्यूस किए टू डॉटर अमीबास जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से अमीबा में बाइनरी फिशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। देन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन रिप्रेजेंट इन युग्लिना, जो है युग्लिना उसमें रिप्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द युग्लिना। युग्लिना इज द मेंबर ऑफ युग्लिनॉइड एंड किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, युग्लिनॉइड का मेंबर है ये। युग्लिना इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर युग्लिना की हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इसकी न्यूक्लियस है इसका। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ सिंगल लेयर प्रेजेंट, प्रोटीनस लेयर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड पेलिकल। ये आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि युग्लिना जो है उसके बाहर की तरफ जो होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है, एंड सेल वॉल की जगह पर वहां पर इसके चारों तरफ प्रोटीन की एक लेयर होती है। दिस लेयर इज नोन एज द पेलिकल। तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। देन दिस इज द फ्लैजिला, इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। इट इज द लोकोमेट्री ऑर्गन इन प्रेजेंट यूनिसेलुलर और द लोअर कैटेगरीज ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये युग्लिना जो है इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहां पर भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस जो होगा वो इस तरह से इसमें डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस जो होगा डिवाइड होने के साथ साथ इसमें यहां पर ऊपर से ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होना भी ये स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड कंप्लीट होने के बाद में इस तरह से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, और साथ ही इसमें ये यहां से साइटोप्लाज्म जो होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा कंटिन्यूसली। और इस तरह से आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, तो दो युग्लिना जो होंगे वो बन जाएंगे। तो एक सिंगल जो पेरेंट युग्लिना है, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में साइटोकाइनेसिस अकर हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस यहां से डिवाइड होगा तो इस तरह से ये अंदर की तरफ जो होगा वो धसने लग जाएगा, और टू न्यूक्लियस जो होंगे डिवाइड होकर वो अलग हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म जो होगा वो भी डिवाइड होकर अलग हो जाएगा। इस तरह से यहां पर इस एक सिंगल युग्लिना से, पेरेंट युग्लिना से टू डॉटर युग्लिना जो होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो टू डॉटर युग्लिना, इस तरह से युग्लिना में भी बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन के थ्रू टू डॉटर सेल्स जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। नाउ मल्टीपल फिशन इज शो इन द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ, इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट कॉजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो उससे कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया होती है। तो अगर हम देखें तो मल्टीपल फिशन जो होता है ये क्या होता है, तो मल्टीपल इट मीन्स मल्टी मीन्स मैनी, इट मीन्स द पेरेंट सेल डिवाइड इन टू मैनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। अब देखिए कैसे होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम, दिस इज न्यूक्लियस, इट्स न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म, एंड देन दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अमीबा में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन कैरियोकाइनेसिस के बाद में इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस होता है, बट यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा कि ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, देयर इज ऑल्सो कैरियोकाइनेसिस अकर्स, कैरियोकाइनेसिस होगा बट इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे बट यहां पर इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक से दो, दो से चार, इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ बन गए, जबकि अमीबा में क्या था कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, देन आफ्टर न्यूक्लियस डिवाइड साइटोकाइनेसिस अकर एंड देन टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, बट इन दिस केस द मल्टीपल न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस। ये बन गए हैं मल्टीपल न्यूक्लियस, बन गए हैं यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियस बिकॉज देयर इज अ रैपिडली माइटोसिस, मल्टीपल न्यूक्लियस हो गए बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, रैपिडली न्यू
डिवीजन हो गया है। और न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद में क्या होगा कि कुछ टाइम बाद में ये न्यूक्लियस जो होंगे इनके चारों तरफ जो होगा साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। और यहां से जब ये साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होने लग जाएगी धीरे धीरे चारों प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनने लग जाएगी। और इस तरह से क्या होंगे ये यहां से इसकी मेम्ब्रेन जो है उसको रैप्चर करके और ये धीरे धीरे यहाँ पे ये इसकी मेम्ब्रेन जो होगी वो फट जाएगी डिस्ट्रॉय जाएगी। देन इसके बाद में ये डॉटर जो प्लाज्मोडियम है वो क्या हो जाएंगे सारे के सारे प्लाज्मोडियम यहां से फ्री हो जाएंगे। दे आर डॉटर प्लाज्मोडियम एंड दिस इज द पेरेंट प्लाज्मोडियम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस था देन बहुत सारे न्यूक्लियस बने देन न्यूक्लियस जो मल्टीपल न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में मल्टीपल साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ एंड द सिंगल पेरेंट प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस द मैनी डॉटर प्लाज्मोडियम सो इट इज नोन एज द मल्टीपल फिशन। देखिए मल्टीपल फिशन जो होता है कभी कभी अमीबा में भी होता है बट इन अमीबा इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना बिकॉज एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है लेकिन इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है उनको पढ़ा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसमें था ये क्वेश्चन। तो मल्टीपल फिशन अकर इन अमीबा ऑल्सो अमीबा में भी होता है बट इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि अमीबा जो होगा उसके चारों तरफ सिस्ट बन जाएगी एक हार्ड लेयर थिक लेयर से क्या हो जाएगा वो कवर्ड हो जाएगा और उसका न्यूक्लियस जो होगा मल्टीप्लाई करके डिवाइड होता रहेगा बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। जैसे ही आ जाएगी फेवरेबल कंडीशन उस सिस्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी धीरे धीरे जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी सिस्ट और जो जितने भी न्यूक्लियस थे अमीबा के वो क्या हो जाएंगे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा उनमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे और एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा जो होंगे बन जाएंगे। बट दिस मल्टीपल फिशन अकर इन अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। देन फेवरेबल कंडीशन उसमें कौन सा होगा बाइनरी फिशन होगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना कि अमीबा में भी मल्टीपल फिशन होता है बट इन अनफेवरेबल कंडीशन बट इन फेवरेबल कंडीशन अमीबा जो होता है उसमें बाइनरी फिशन होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो है बडिंग। अब देखिए इस बडिंग प्रोसेस में होता क्या है तो बडिंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया इट इज द हाइड्रा एंड अनदर एग्जाम्पल इज यीस्ट। हाइड्रा इज द मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा ऑफ नॉन कॉर्डेट। ठीक है अब हाइड्रा में अगर हम देखें तो क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है बडिंग प्रोसेस में क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरेंट कहेंगे उस पैरेंट की बॉडी से एक आउटग्रोथ डेवलप होगी और इस आउटग्रोथ जो होगी इसको हम बर्ड भी कहेंगे। ये आउटग्रोथ इनिशियल स्टेज में तो पैरेंट की बॉडी से अटैच्ड है बट जैसे धीरे धीरे ये ग्रो करेगी पैरेंट की बॉडी पे और मैच्योर होगी धीरे धीरे इट इज नोन एज बर्ड। एंड जब ये पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर हो जाएगी और फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इट डी अटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। यहां से क्या हो जाएगी डी अटैच हो जाएगी पेरेंट बॉडी से और ग्रो करके नया हाइड्रा जो होगी वो प्रोड्यूस करेगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका वो यीस्ट। यीस्ट आप देखिए यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ द यीस्ट इज द सैक्रोमाइसिस सैलिसी। यीस्ट में हम देखिए तो इसमें भी क्या होगा इस तरह से आउटपुट बर्ड डेवलप होती है और इसमें न्यूक्लियस जो होगा इसका डिवाइड हो जाएगा देन इस तरह से बर्ड होगी और ये बर्ड भी क्या होगी इस पेरेंट बॉडी से अटैच आएगी। देन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी इट डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। अब इस यीस्ट में ऐसी जरूरी नहीं कि एक ही बर्ड बने इसी बहुत सारी बर्ड्स जो होती है वो प्रोड्यूस हो सकती है यानी अ सिंगल यीस्ट प्रोड्यूस मैनी बर्ड्स बहुत सारी बर्ड्स से यानी एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे जो होंगे न्यू यीस्ट जो होंगे वो डेवलप्ड हो सकते हैं। तो बडिंग क्या हुआ है यहाँ पे तो बडिंग इज अ मोड ऑफ और मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द बर्ड और आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड रिमेन अटैच द पेरेंट बॉडी इन इन फेवरेबल कंडीशन और
when it is mature, it de-attaches from the parent body and to form new organism or individual. This process is known as budding, and the best example of the budding process is the yeast and hydra. Then next you have our fragmentation. Fragmentation is fragments. In fragmentation, naam se pata chala, it means the parent body divide into two or more than two fragments, and each fragment grow into new individual. Yani parent body kya hogi? Do ya do se jyada part mein divide ho jayegi, fragments ban jayenge, aur har ek fragment se ek naya organism developed hoga. The fragmentation ka jo example hai, मैंने बोर्ड पे एक बना रखा है. दिस इज द स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज द एग्जांपल ऑफ द एल्गी. ये तरह की एल्गी है. और अगर हम देखें तो स्पायरोगायरा जो है, ये स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, दिस इज द सेल वॉल एंड इसके नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है, इट इज द सेल मेम्ब्रेन. इसके बाद में इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, एंड देन द स्पाइरिकल स्ट्रक्चर दिख रही है. स्पाइरिकल इट इज द क्लोरोप्लास्ट. स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इट इज इन स्पाइरल शेप. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से स्पाइरल शेप में, इसीलिए इसका नाम इसी से पड़ा, स्पायरोगायरा. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि स्पायरोगायरा जो इसकी बॉडी जो होगी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड, यहाँ से कट लग गया, यहाँ से कट लग गया, डिवाइड हो गई. अब जो पार्ट डिवाइड होगा इस तरह से, वो एक नया स्पायरोगायरा. तो यहाँ पर जब डिवाइड हुई तो ये ब्रेकडाउन हुई, तो इससे नया स्पायरोगायरा डेवलप हो जाएगा. ये वाला ब्रेकडाउन हुआ तो इससे नया स्पायरोगायरा, और ये वाला ब्रेकडाउन हुआ तो इससे नया. यानी एक स्पायरोगायरा से हमने तीन स्पायरोगायरा जो होंगे वो डेवलप्ड हो जाएंगे. तो आप इस तरह से डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फ्रेगमेंट से हर फ्रेगमेंट जो होगा वो ग्रो करके और नया जो होगा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा. अब देखिए एक एग्जाम्पल तो स्पायरोगायरा, कुछ एग्जाम्पल और हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा. द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका, वो एक स्टारफिश. तो स्टारफिश ऑल्सो शो द फ्रेगमेंटेशन. देन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया जो है उसमें भी जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है. देन नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल जो है वो आपका स्टारफिश है, प्लेन एरिया है, एंड इसके अलावा टैपवॉर्म. ठीक है, तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन की फोर एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको, स्पायरोगायरा, स्टारफिश, प्लेन एरिया एंड टैपवॉर्म, दे शो द फ्रेगमेंटेशन. स्पोर फॉर्मेशन और बाय स्पोर्स. व्हाट इज स्पोर्स? द स्पोर्स इज अ यूनिसेलुलर स्मॉल मोटाइल और नॉन मोटाइल. एक्सोजीनसली और एंडोजीनसली स्ट्रक्चर्स. देखो स्पोर्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, स्मॉल होंगे, नेकेड भी हो सकते हैं. देन मोटाइल और नॉन मोटाइल, इट मीन्स कि ये या तो मूवमेंट भी कर सकते हैं, इट मीन्स इनमें लोकोमेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, और लोकोमेटरी ऑर्गन्स आर द सीलिया और फ्लैजिला. एंड नॉन मोटाइल, तो लोकोमेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट. एंड एक्सोजीनसली और एंडोजीनसली, एक्सोजीनसली इट मीन्स दे आर प्रोड्यूस आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, एंड एंडोजीनसली मीन्स दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द पेरेंटल बॉडी. ठीक है, तो इस तरह से स्पोर्स बनते हैं. स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. अब यहाँ पर थ्री टाइप के स्पोर्स जो हो रहे हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. फर्स्ट इज द जूस्पोर्स, सेकंड इज कोनिडिया, एंड थर्ड इज द जर्म्यून. जूस्पोर्स, जू स्पोर्स, जू मीन्स मोटाइल, स्पोर्स इट मीन्स जो स्पोर्स कैसे है, मोटाइल है. अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बना रखी है, जिससे क्लेमाइडोमोनास, एंड द क्लेमाइडोमोनास इज द यूनिसेलुलर एल्गी. ये एक एल्गी है. क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जो होती है बनती है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह के स्पोर्स जो होते हैं, जू स्पोर्स जिनको हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, और इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिनसे मूवमेंट करते हैं. जिस स्ट्रक्चर में जू स्पोर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, बन रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज जू स्पोरेंजिया और जू स्पोरेंजियम. तो जू स्पोर्स आर produce inside the structure. This structure is known as zoosporangia. It means the
zoospores जो क्लेमाइडोमोनास में बन रहे हैं, these are produced from endogenously. किस तरह से बन रही है? Endogenously बन रहे हैं, यानी inside the parent body बन रहे हैं. अब देखिए next example है, वो है conidia. अब conidia देखिए तो ये जो structure मैंने बना रखा है, it is the penicillium. Penicillium is the example of the fungi. ये fungi का example है. अब देखिए हम फंजाई जो होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ हाइफी. आपने 11th क्लास में इसको पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में. तो हाइफी जो होते हैं, अब क्या होता है कभी कभी जब प्रोडक्शन का टाइम आता है तो देन द पेनिसिलियम जो होता है उसका कोई एक हाइफी जो होता है इट एक्ट एज अ कोनिडियोफोर. ये एक तरह किस तरह से काम करता है? कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर की तरह फंक्शन करता है. और ये कोनिडियोफोर जो होते हैं इनके ऊपर जो होते हैं इस तरह से आप देख रहे हैं स्मॉल राउंड शेप स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है. दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज कोनिडिया. ये कोनिडिया इस हाइफी और कोनिडियोफोर से क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में. देन जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है इट डिस्पर्स फ्रॉम हियर, यहां से डिस्पर्स हो जाएंगे, हट जाएंगे एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, नया पेनिसिलियम बनाएंगे. तो अगर हम यहाँ देखें तो इन कोनिडिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है इट इज एक्सोजीनसली. इट मींस कैसे बन रहे हैं ये? आउटसाइड द पेरेंटल बॉडी, पेरेंट बॉडी के आउटसाइड बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमने देखा था इनसाइड बन रहे थे. अब एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स एंड कोनिडिया. तो जूस्पोर्स आर स्मॉल स्पोर, दे आर मोटाइल इन नेचर एंड द कोनिडिया इज small and non-motile in nature because they have absence of the flagella or cilia but they present the cilia. इनमें जो है cilia present है. And next example, next इसका difference हो जाएगा. The zoospores are produced in endogenously. Zoospores कैसे बने? Endogenously बने. But the conidia are produced the exogenously. तो इस तरह से हम दो डिफरेंस जो होते हैं, और थर्ड में आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो कि जूस्पोर्स जो होते हैं एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड द कोनिडिया का एग्जांपल पेनिसिलियम. द नेक्स्ट इज जेम्यूल. जेम्यूल जो होती है स्पेशल टाइप की स्पोर्स होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल ही होते हैं. पेरेंटल बॉडी के अंदर की तरफ ये बन रहे हैं और ये क्या होंगे? पेरेंटल बॉडी के अंदर ही होंगे. देन आफ्टर मैचुरेशन ये क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हर एक जोगा एक नया जोगा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा. एंड जेम्यूल का जो बेस्ट एग्जांपल है इट इज द स्पॉन्ज. तो इस तरह से वेरियस टाइप के स्पोर्स के थ्रू जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है. जूस्पोर, कोनिडिया एंड जेम्यूल.